महाराजा जय श्री अनंगपाल, 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 महाराजा जय जय अनंगपाल, जय महाराजा श्री अनंगपाल, जय महाराजा श्री अनंगपाल, जय अनंगपाल तोमर द्वितीय दिल्ली संस्थापक सबके प्रिय, दिल्ली संस्थापक सबके प्रिय, जय अनंगपाल तोमर द्वितीय महाराजा जय। हम इस समय शहर के जाने माने प्रतिष्ठान माडिल कंप्यूटर्स पर हैं। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर एसेसरीज की सप्लाई करते हैं और बेचते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आप कोविड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोविड के बारे में तो सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि इससे ज़रूरी है कि कोई सा भी पहले अपना मास्क लगा होना चाहिए, सैनिटाइज़र भी होना चाहिए और इसमें सावधानी विशेष बरतनी चाहिए। और अगर ग्राहक भी आता है तो उससे मास्क का ज़रूर कहें, ज़रूर लगवाएं। और हम लोग नहीं आता है, अगर उसके पास मास्क नहीं होता है तो हम उसको एक मास्क देते हैं। अच्छा, और सैनिटाइज़र? सैनिटाइज़र भी है तो यहाँ भी यूज करते हैं, खुद यूज करते हैं, सबसे पहले सैनिटाइजर उसको हाथ में लगवाते हैं। अच्छा, इस बारे में आपके जो व्यवसाय है इसमें आप क्या 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 यहाँ पर वो करते हैं? हाँ, साइलेंट सर्विस है पूरी, कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरे और अपना कंप्यूटर का पूरा काम, आईटी से संबंधित सब, जीपीएस वगैरह, सीसी सब, प्रिंटर विंटर, प्रिंटर वगैरह, सीसीटीवी कैमरे। अच्छा, रिपेयरिंग भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, रिपेयरिंग करते हैं, प्रिंटर की रिपेयरिंग करते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग करते हैं। तो आपको जाना पड़ता होगा फिर रिपेयरिंग के लिए दूसरी जगह? हाँ बिल्कुल, जाते हैं तो पूरा मास्क लगा के, सैनिटाइज लगा के बिल्कुल होशियारी से काम किया जाता है। मुरैना शहर की कोई 5 समस्याएं बताएं आपको जो ऐसी लगती हों, कोई भी 5 समस्याएं बता दीजिए। समस्या नहीं, एक बार पहली चीज तो ये लोगों में अब ऐसा लगता है कि जो लोग कोविड नहीं है, लेकिन ये है कि लेकिन आगे के लिए अपन को कोविड के बारे में भी अपन को अच्छी तरह से जान रहे हैं। आप कोविड से हटके कोई सी भी 5 समस्या दूसरी बताइए।
समस्या शहर में क्या है या व्यवसाय में क्या है या शहर में क्या है, जो भी हो पांच बता। महंगाई तो क्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ये है कि रुझान ये कि उद्योग लगाना चाहिए अब, जैसे मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बने और अपनी सुचारू रूप से उद्योग लगाएं, इससे लोग भी मतलब उसमें इंडस्ट्री में जुड़ेंगे और उनका भी मतलब रोजगार चलेगा। तो इस संबंध में आप रोजगार और उद्योग के बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि बेरोजगार लड़के इस प्रकार से काम करके कैसे आगे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ तो 1 लाख का लोन मिल जाता है, अगर चाहे तो बिना उसके लिखा पड़ी के 1 लाख तो मिल ही जाता है। और वो तो 10,000 से लेके 10 लाख 10 करोड़ तक 20 करोड़ तक मिल जाता है MSME में, और या जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है और तमाम है, तो वो तो लोन तो ठीक है, मगर जैसे कोई में स्किल की ज़रूरत होती, जैसे आपका व्यवसाय है तो इसमें तो कौशल की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसके लिए लड़कों को क्या करना चाहिए कि जैसे कोई गांव में दूरस्थ है या कहीं शहर में ही कोई बेरोजगार लड़का काम करना चाहता है, तो क्या आप उसको सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट है उसको सीखने में, क्या मुझे कुछ हाथ का दस्तकार बनना है, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, और कोई भी आता है अगर ऐसे सीखता है तो मैं उसको सिखाता हूँ। अच्छा, इससे उसको आगे रोजगार भी मिल जाता है, उसको 2 पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, फिर हमारा ही काम करता है तो हम उसको पैसे देते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसके अलावा आपको ये ऐसी 5 समस्याएं बताएं जिससे शहर जूझ रहा है। एक तो शहर तो उससे खुदाई से ही जूझ रहा था, दूसरा अब वो पाइप डल रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा परेशानी होने लगी है, सीवल लाइन। और तीसरी जी समझ लो कि सड़कें तो बेहाल हो ही चुकी हैं, है ना, और उनके पुनर्निर्माण की जरूरत है। पुलिया भी काफ़ी टूटी हुई है, गंज की पुलिया भी टूटी हुई है, और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति इधर है नैनागढ़ रोड की भी स्थिति खराब है। मतलब है तो चारों तरफ ही है जो भरे जा रहे हैं, अब दोबारा से फिर सीवर डाली जा रही है, दोबारा से फिर पाइप जोड़े जा रहे हैं। अच्छा, वो उसी समय हो जाने चाहिए थे, तो ये बार बार नौबत नहीं आती और सड़क भी ना खुदती। स्टैंडर्ड वगैरह पालन हुए हैं उसमें? स्टैंडर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो गड्ढों का पता है। अच्छा, और दूसरी समस्या? दूसरी समस्या मुरैना शहर की, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा स्थिति क्या क्या है, फिर भी कोई सी दूसरी समस्या। स्ट्रीट लाइटें हैं आपके घर के आसपास? हाँ लगी हैं। जलती हैं? हाँ जलती हैं। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई समस्या तो अभी अब आगे होगी मैं बताऊँगा। सब्जियाँ आपको ताज़ी मिलती हैं? हाँ, सस्ती मिलती हैं। मुरैना में अच्छा है इसके लिए तो सस्ती मिलती हैं, ठीक है। और पानी पीने का साफ मिलता है? अच्छा, साफ मिलता है। अच्छा, यानी कि कोई समस्या नहीं है आगे के, और हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग आप इस फिल्म को देख रहे हैं? संदेश बस यही है कि अनुशासन और पालन और कोविड का जरूर करते रहें, समानता मतलब दूरियां। और व्यवसाय में? व्यवसाय में भी होनी चाहिए, जैसे कि मैं मास्क लगाया हूँ तो मास्क लगा होनी चाहिए सामने वाले ग्राहक। नहीं, व्यवसाय में कैसे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े लोग? अब तो अपना खुद का ही वो हाथ के दस्तकार बने और सीखें कुछ ना कुछ। आप जो कैमरे लगाते हो CCTV वगैरह या जो इनका, वो कैसे उपयोग करें लोग? उपयोग का तो ये है कि वो बिल्कुल सतर्क रहें। और अरे, CCTV तो सेफ्टी के लिए ठीक है, और दूसरा इनका रोजगार में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? रोजगार का सीखें, हम सिखाएंगे। सिखाएंगे लगाना, करना, फिट करना। और कुछ कहना है? बस ठीक। अपने अनुभव का किसी को कुछ संदेश देना है? आज के समय पे आत्मनिर्भर बने, जो मोदी जी कह रहे हैं,
वही सबसे अच्छा है। ठीक है, अच्छा ठेला लगाते हाँ सर। रहते कहाँ है? मुरैना में रहते हैं शहर में? हाँ मुरैना में रहता हूँ। अच्छा ये ठेला जो आपने लगाया इसमें कोई साथ की सहायता मिली क्या आपको? हाँ सर मिली। क्या? 10,000 रुपए का लोन मिला था। 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन? हाँ सर। अब काम रहता है, कैसा चल रहा है आपका? अब तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भोजन कहाँ करते हो अभी? अभी ये रसोई केंद्र मेला ग्राउंड में। रसोई केंद्र में कब से भोजन कर रहे हैं? हो गया 3-4 साल हो गया। ये रसोई केंद्र पहले से संचालित है? हाँ 2017 पहले से चल रहा है। 2017 में चला था। अच्छा 2017 में शुरू हुआ। ये पुराना रसोई केंद्र है, आज जो उद्घाटन हुआ वो नहीं है। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया मिलता है। जबरन मूंगा तो नहीं ठूसना पड़ता? नहीं 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 ऐसा नहीं। दाल मिलती है, चावल मिलता है, आलू की सब्जी है, रोटी भी है, पेट भर के कितना भी खाओ जितना भी खा सकते हो। अरे आलू की सब्जी में आलू रहते हैं कि पानी पानी रहता है? नहीं बहुत बढ़िया है। अच्छा बढ़िया रहता है। तो क्या दोपहर में आप करते हैं? रोज दोपहर में करते हैं? हाँ सर 12 बजे के टाइम पे। 12 बजे कैसी लगी ये योजना आपको? बहुत बढ़िया लगी। लॉकडाउन में भी खाया था मैंने। ये चल है लॉकडाउन में भी खाया था मैंने, परेशान हुआ था लॉकडाउन लगने से। अरे लॉकडाउन में भी चल रही थी ये? हाँ सर। चलिए लॉकडाउन में चलाया तो ताली बजा के स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं मुरैना नगर निगम को भी बधाई देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी नगर निगम इस योजना को चलाता रहा और गरीब भाई और बहनों को भोजन मिलता रहा। बहुत बहुत बधाई। हाँ आपका नाम? मुकेश सिंघल। कहाँ के आप? ओल्ड हाईकोर्ट रोड ग्वालियर। ग्वालियर ग्वालियर। इस समय हमारे साथ ग्वालियर के मुकेश सिंघल जी हैं। इस बार के रूबरू कार्यक्रम में उन्होंने दिखा रहे हैं आपके सामने। तो मुकेश जी आप ये बताइए कि ग्वालियर में कोविड की क्या स्थिति है? कोरोना की कोविड की स्थिति सामान्य है। आप लोग क्या एहतियात बरतते हैं? बिल्कुल एहतियात बरतते हैं, ये मास्क लगाए रहते हैं। और मास्क लगाए रहते हैं, दूरियां मतलब बना के चलते हैं। अच्छा। और जो है व्यापार करता हूँ, ग्राहकों से भी ये बोलता हूँ
कौन सा प्रतिष्ठान है आपका? मेरा सिंगल स्टेशनरी एंड पुस्तक सदन है पुराने हाई कोर्ट पर। पुराने हाई कोर्ट में लश्कर? हाँ लश्कर में। और मैं कस्टमर से भी बोलता हूँ कि आप एहतियात बरतें, ये जो विपदा आई है। आप ये किस चीज के पौधे हाथ में लिए हुए? ये भृंगराज के पौधे हैं भाई साहब। भृंगराज? हाँ, ये भृंगराज का ये बहुत उपयोगी पौधा है और ये गाँव में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, तो मैं यहाँ बसैया वाली माता पे दर्शन करने आया हुआ था, तो ये ले जा रहा हूँ मैं अपने घर। ठीक है। अच्छा, आप रोजगार के बारे में लड़कों को या बेरोजगार लड़कों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे काम करें? आप अनुभवी आदमी हैं। मैं यही सजेशन देना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि वो अपने माँ बाप पे निर्भर ना होते हुए शुरू से पढ़ाई के साथ साथ अपने कार में लगे, और फिर कार में लगेंगे, मेहनत करेंगे तो कामयाबी कहीं जा नहीं रही। थोड़ा चश्मा उतारें और कैमरे की ओर दें जी। अच्छा, ये और बताएं कि ग्वालियर की 5 ऐसी समस्याएं बताएं जिनकी तरफ आप प्रशासन का या शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कोई सी भी 5 समस्या। अभी एक समस्या तो मेरी करंट नॉलेज में आई है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। हाँ, जैसे कि शेयर मार्केटिंग में, शेयर मार्केटिंग में जैसे आपको दिक्कत हो रही हो तो चश्मा लगा के आप देखो। इसमें 2-3 केस ऐसे मेरे सामने आए हैं शेयर मार्केटिंग में कि ब्रोकर, जैसे कोई भी कंपनी है शेयर खरीद के कोई कस्टमर डालता है और उसका स्टाफ उसको साइबर छेड़छाड़ करके और ये पूरा उसका बैलेंस नील कर देता है ब्रोकिंग के चक्कर में। ब्रोकिंग और टारगेट के चक्कर में और उसका जब ध्यान जाता है तो उसको पता पड़ता है पूरा उसका बैलेंस नील हो गया और इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है। किसी भी एडवोकेट को ये नहीं मालूम कि इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है, यानी उसे कैसे पकड़ा जा सकता है या कैसे ट्रेस किया जाए। और पुलिस का रोल क्या है इसमें? पुलिस इसमें मदद नहीं करती, ऐसा मेरे नॉलेज में 5-6 केस आए हैं और ना FIR लॉन्च करती है। अच्छा, मतलब पुलिस भी गुमराह करती है, जिसके संग फ्रॉड हुआ है उसको गुमराह करती है, यानी चक्कर लगवाती रहती है। चक्कर लगवाती रहती है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अच्छा, शेयर मार्केट में और भी चीज़ों में होता है क्या ये? हाँ, शेयर मार्केट में भी है, चिटफंड कंपनियों में भी है। तो चिटफंड कंपनियों के बारे में तो मुख्यमंत्री के विशेष आदेश हैं, तो नहीं कर रही कार्रवाई पुलिस? नहीं, परंतु चिटफंड फंडी कंपनी एक आम होती है, ये तो शेयर मार्केट तो एक बड़े बड़े लोग करते हैं, IAS लेवल के लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भी ठग लिए जाते हैं? अभी सामान्य लोग तो ठगते देखे साहब, इन लोगों को नहीं देखा मैंने। कई बगैर पढ़े लिखे होते हैं शेयर में आ जाते हैं। अच्छा, 4 समस्याएं और बताइए, एक हो गई। और दूसरी समस्या बेरोजगारी की है ही है। आज पढ़ा लिखा बच्चा रोजगार ना मिलने के कारण बनियों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, उसको जो है लोन वगैरह मिलते हैं काम धंधे के लिए, उनका फ़ायदा नहीं उठाता वो? लोन वगैरह सामान आदमी को मिल नहीं पाता। अच्छा, MSME और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वगैरह, इनका कोई का लाभ नहीं मिलता? मेरी नॉलेज में नहीं है साहब, मैं तो ये देखता हूँ कि जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप 3 समस्याएं और बताइए, ग्वालियर की 3 और समस्याएं क्या हैं? समस्या तो 3 क्या बहुत हैं साहब, हर जगह गड्ढे खुदे डले हैं। कोई भी गड्ढे क्या ग्वालियर में? सीवर के पाइपलाइन के। अच्छा, हर जगह रोडें खराब रही, रोडें खराब हैं, गड्ढे खुदे पड़े और गड्ढे खोद देते हैं उसके बाद बनाने की कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, बनाते नहीं है? हाँ, पूरा हरिशंकर अभी खोद के पटक दिया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हरिशंकरपुरम? हाँ, उसमें पूरे में गड्ढे खुदे हैं, रोड खराब है, रोड बन नहीं रही, खराब करके पटक दिए। अब आपकी 2 समस्याएं और।
बताइए आप। एक पानी की समस्या है वहाँ। पानी की क्या है? पानी प्रॉपर नहीं मिलता, गंदा पानी आता है, सीवर लाइन मिक्स होके आता है। अच्छा, नलों में। नगर निगम में शिकायत वगैरह की? कई बार करी है, कई लोगों ने किया, कुछ कार्रवाई नहीं होती। सुनते ही नहीं है? सुनते ही नहीं। नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा पानी की तरफ? तो पीने का गंदा पानी मिल रहा है? बिल्कुल गंदा पानी मिल। और टाइम पे आता है? टाइम पे एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। एक दिन छोड़ के? तो एक दिन जिस दिन नहीं आता उस दिन क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं। स्टॉक करते हैं? रोज पानी नहीं आता? नहीं। अब आप एक समस्या और कोई प्रधान बताइए। और तो अभी मेरे दिमाग में नहीं है। खैर, आप माता के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और आपने तो अचानक रोक लिया समस्या। हम पहले सोच के आते, पहले बताते। नहीं, वो भी जरूरी रहता है। आपने अचानक रोक लिया। अब आप अपनी तरफ से जो कहना चाहें वो कहें। हम क्या यही कहेंगे साहब, प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। कोई आम आदमी को समस्या आए तो संबंधित कार्यालय, संबंधित विभाग शिकायत पे गौर करे, बस सुनवाई करे और कंप्लेंट समस्या का समाधान करे, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म दुरुस्त करे, और इस पे साइबर क्राइम जो होते हैं उस पर कोई कानून बनाए, उस पर बुद्धिजीवी एडवोकेट, बुद्धिजीवी मजिस्ट्रेट रखें, जिससे उनको प्रॉपर न्याय मिले। वैसे अब थाना लेवल पे मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं हर केस के लिए, तो उसमें जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है, उस पर फैसला होने वाला है, तो उसमें अब थाने पर स्तर पे कोई भी एडवोकेट होंगे, वो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे और वो पूरी केस की वो करेंगे, दर्ज होने से लेकर के विवेचना और पूरा। तो आपकी न्याय मिलना चाहिए सब आम आदमी को। आम आदमी जानकार नहीं होता, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है अपने हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का प्लस ठेकेदार को फायदा होता है, आम जनता का जेब से पैसा जाता है, आम जनता को परेशानी भुगतनी पड़ती है। तीसरा कारण क्या है कि आजकल क्राइम बहुत हो गया है जगह। अगर आप थोड़े से लापरवाह हुए, आपकी जेब कट रही है, टेम्पो में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, वहाँ से आपकी जेब काट दी जाएगी। ये सब पुलिस प्रशासन की जानकारी में रहती है, परंतु उनकी मिली भगत रहती है, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चौथी ये है कि रोड हैं वैसे ही छोटी हैं, लोग आधी रास्ता हैं, ठेले वाले ऑटो वाले जो घेर के खड़े रहते हैं, पुलिस वालों के जो वहाँ का बीट का पुलिस वाला रहता है उसकी वहाँ जुगाड़ रहती है, उसको हर महीने हर पर डे उसको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। और चौथा ये है कि जनता की समस्याएं इधर से उधर घुमाते रहेंगे। आप कलेक्टर से मिलिए, आप एसपी से मिलिए, आप नगर निगम से मिलिए, बेचारा 3-4 चक्कर 5 चक्कर लगाता है, परेशान होकर घर बैठता है कि जो होना तो होता रहेगा। और बताइए, एक हो गई, दो हो गई आपकी समस्या? समस्या पूरी 4-5 पर समस्या पूरी आ गई सब करीब करीब, तो मेन तो सभी आ गई हैं, बाकी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं जिसके साथ में जो समस्या रहती है। फिर भी कुछ उल्लेख कर दीजिए। जैसे कि आजकल अवैध कब्जे हो रहे हैं, पहले कैंसर पहाड़िया, अभी कैंसर पहाड़िया पे हो रहे हैं, अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब बन जाएंगे फिर तोड़ फोड़ की फिर नोटिस देगा, उससे इधर झांसी रोड पे सितौली पे चकोटी की सराय विक्की फैक्ट्री के पास, वहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, अभी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी जानकारी में सब कुछ है, वो कब्जा करने दे रहा है, जब कब्जे बन जाएंगे सब कुछ हो जाएंगे फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। अगर आपको कुछ करना है तो अब इस समय करिए आप, अभी कब्जा करने के स्टार्टिंग के समय कीजिए आप, जब व्यक्ति का पैसा लग गया, आपने पैसा ले लिया, नगर निगम ने कनेक्शन दे दिया, पानी का, बिजली घर ने बिजली कनेक्शन दे दिया, और भी जो सुविधाएं हैं उसको सब मिल गई, उसके बाद आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका तोड़ पकड़ने का क्या औचित्य है? आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो साहब यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रशासन को कोई भी कार्रवाई प्रारंभिक स्थिति में करनी चाहिए, ना कि अंतिम स्थिति में करे। अंतिम स्थिति करने से क्या है, गरीब व्यक्ति जो होता है, जो उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी होती है, वो एक बार में चली जाती है। वो बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से अपना घर का निर्माण करता है, अपनी कुटिया का निर्माण करता है, और वो धराशायी होने के बाद उसका सपना टूट जाता है और वो कहीं का नहीं रहता है। और कुछ
नहीं और तो सब समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी जैसी समस्या मतलब सुनवाई और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो तो यहाँ का नहीं साहब, वो तो प्रदेश स्तर पर क्या देश स्तर पर स्थिति ख़राब है। जब तक आप किसी पर बयान नहीं रखेंगे, बयान मीन्स जब तक रिश्वत नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं होनी है। ईंट भर जाते हैं इसमें जान बूझ के, जो इसके मुंह पे जैसे नाली ये बंद हो। ये काम किया जाता है इसका मुंह बंद कर जाते हैं नाली। ये हमारी ईंटें लेते हैं और इसी से ही मुंह बंद कर। ये नाला छक भरा हुआ, ये कभी सफाई होती नहीं है। ये नीचे 5 फीट गहरा है लेकिन ये ऊपर लबालब हुआ, ये सब पूरा ये हमारे मकान की तरफ है। ये स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती है, ये स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती है। ये नाले का हाल है और नाली को इस तरह से ही मुंह बंद कर देते हैं। ये बदमाशी होती है, दूसरी बदमाशी ये होती है यहाँ कचरा डालते हैं दिन और रात, ये फेंकते हैं। ये रात को कचरा फेंका गया आज, ये किस टाइप का कचरा है ये कचरा ही बता रहा है कहाँ से आया। ये कचरा फेंकते हैं ये रात को आकर के। ये कचरा फेंका जाता है, और न कभी किसी किस्म का। यहाँ आप देख रहे हैं गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं पार्क के पास और व्यवसाय कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है। अवैध ड्रोनों का यहाँ पर कारोबार किया जाता है। यहाँ हर ड्रोन को सिविल एविएशन से लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे वो प्रोटोटाइप हो चाहे खिलौना टाइप। लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये अवैध कारोबार का बहुत बड़ा एक हब बन चुका है ये गांधी कॉलोनी मुरैना। और यहाँ सफाई की जो व्यवस्था है ये आप खुद देख रहे हैं क्या हाल है। हालांकि सड़कें यहाँ पर अब हैं ही नहीं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, लेकिन कचरा की स्थिति और वो सब आप देख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ जो नाली और नाले हैं ये कभी साफ होते ही नहीं है। और
ये लड़की डांस कर रही है, दिखाओ प्रतिभा अपनी विश्व। और यहाँ जो कचरा है इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आता है कचरा? रात को डाला जाता है, दूर से तो आता है कि नज़दीक से आता है, यहाँ से भी आता है। ये ईंटें सारी उखाड़ ली गई हैं हमारी दीवारों की, इस तरह परेशान किया जाता है गुंडों द्वारा कि जो है हम इसे बेच दें प्रॉपर्टी को अपनी को उनको जबरदस्ती से। ये गांधी कॉलोनी मुरैना का नाला है, ये हमारे घर के सामने है और सिटी के सामने है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसकी गहराई 3.5 से 5 फीट तक है, लेकिन ये कभी साफ ही नहीं होता, वरना कभी साफ होगा। ये नाला खुद ही बता रहा है, इसका वीडियो आप खुद देख लें। महाराजा जय श्री अनंग दिल्ली का पुरी की शान बने, जो दिल्ली की पहचान बने, कॉमर शासन दिन मान बने, दिल्ली शासन का मान बने, स्वर्णिम इतिहास के प्राण बने, वे शौर्य पराक्रम गान बने, दिल्ली का कण कण बोल रहा, महाराजा जय श्री अनंग पाल, जय महाराजा जय अनंग पाल, महाराजा जय श्री अनंग पाल, जय महाराजा श्री अनंग पाल, जय महाराजा श्री अनंग जिनका शासन उल्लेख अमर, जिनके शासन अभिलेख अमर, सब धरोहरों का ज्ञान अमर, है लाल किला निर्माण अमर, है अनंग लोह स्तंभ अमर, विज्ञानी विश्व स्तंभ अमर, गौरवशाली इतिहास अमर, गौरवशाली इतिहास अमर, वो छात्र तेज उल्लास अमर, वो छात्र तेज उल्लास अमर, सब धरोहरे भी बोल रही, सब धरोहरे भी बोल रही, जय महाराजा श्री अनंग पाल, महाराजा जय श्री अनंग पाल, जय महाराजा जी अनंग पाल, जय